पेपर लीक होने को अफवाह बताया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत खास बातचीत में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया। सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने का भ्रम फैलाया गया है, सरकार ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की है। भ्रम फैलाने वाले गिरोह का जल्द ही पर्दाफाश होगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का पेपर नहीं लीक हुआ, ये भी इस बीच स्टेटमेंट आए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अतुल, क्या अधिक जानकारी? देखिए भूषा, बिल्कुल, जिस दिन पिछले दिनों जिस तरीके से 10वीं और 12वीं की परीक्षा एमपी बोर्ड परीक्षा मध्य प्रदेश में होनी थी, और ऐसे में सोशल मीडिया पे जो जानकारी लगातार उड़ रही थी, सामने आ रही थी कि 10वीं और 12वीं बोर्ड का पेपर लीक हो गया, उसके बाद जो है ताबड़तोड़ तरीके से सरकार की तरफ से ये मामला सामने आया था और जांच के आदेश दे दिए गए थे। हालांकि आज जब इंद्र सिंह परमार की तरफ से जब बात की गई तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो थी सोशल मीडिया पे असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाई गई थी, किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि नितिन परमार ने यह भी कहा कि तमाम जो शिकायत है वो क्राइम ब्रांच को कर दी गई है, इसमें से एक एफआईआर भी हुई है, लेकिन किस गिरोह का था और कौन लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से अफवाह फैला रहे थे उसकी जो है उनकी जानकारी जुटाई जा रही है और जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि देखिए जिस तरीके से 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया तो सत्ताधारी के साथ साथ विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर बीजेपी सरकार के ऊपर हमला हो गई थी। कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले के बाद अब ये सामने आ रहे हैं कि लगातार भी जो पेपरों जो है वो लीक हो रहे हैं। हालांकि कमलनाथ ने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर पेपर लीक होना आम बात हो चली है और कहीं ना कहीं शिक्षा के ऊपर जो है दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से इंद्र सिंह परमार की सफाई सामने आई है और पूरे मामले लेके भ्रम बताया, आगे पुलिस जांच का मामला जुट चुकी है, क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे सामने साफ तौर पर यह कहा जा रहा है जल्दी इस कार्रवाई को लेकर उजागर किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अतुल।